आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैट्रिसेस मॉडर्न डे मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स में से है। अब तक हम लोग केवल इसको एक लैंग्वेज के रूप में डेवलप किए हैं कि नंबर्स को हम रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करेंगे दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, और हम इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है इस टूल का, जब तक वो नहीं जानेंगे ना मजा नहीं आएगा हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं सर। उसका हम एक एप्लीकेशन आपको दिखा रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में मैट्रिसेस का यूज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आपको लीनियर इक्वेशंस याद दिला दें, क्लास 10 से हम लोग जानते हैं। एक इक्वेशन लिख रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 5। यहां दो अननोन है x और y, और इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन लिखा हुआ है। 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y का वैल्यू 5 के बराबर होना चाहिए। ऐसा आप अनगिनत रियल नंबर्स ढूंढ सकते हैं जो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। जोड़ा जोड़ा में x का कोई वैल्यू आप अपनी मर्जी से सोच लीजिए, एनी रियल नंबर -5। अब y का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, x का वैल्यू इसमें -5 डालिए, y का वैल्यू 5 आ गया। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया -5, 5। पहला नंबर हम वैल्यू ऑफ x लिख रहे हैं, दूसरा नंबर वैल्यू ऑफ x की जगह 1 डाल दीजिए, अब y का वैल्यू ढूंढ लीजिए 1। x की जगह 10 डाल दीजिए, अब y का वैल्यू ढूंढ लीजिए -5। x की जगह 0 डाल दीजिए, y का वैल्यू ढूंढ लीजिए। इस तरह से जितना सॉल्यूशंस बोलिए इस इक्वेशन का हम ढूंढ के दिखा सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब एक जोड़ा नंबर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हम लोग इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो सारा जो सॉल्यूशंस है उसको हम एक चित्र के रूप में भी दिखा सकते हैं। ज्योमेट्रिकली इस रिलेशन का एक चित्र बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट खाली ढूंढ लें, वाई की जगह 0 डाल करके एक्स इंटरसेप्ट 5/2, और एक्स की जगह 0 डाल करके वाई इंटरसेप्ट 5/3। इस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स है वो सब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये जो आप ढूंढ रहे थे जोड़ा जोड़ा नंबर, सब यहां चित्र के रूप में भी दिखा सकते हैं। अगर हम एक और लीनियर इक्वेशन दे दें, 3x माइनस वाई मस्ट इक्वल 7, इस लीनियर इक्वेशन का भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसको भी आप एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। उसी तरह से x इंटरसेप्ट लोकेट करके 7/3 यहां कहीं होगा, 7/3 2.33, ये 2.5 है। अब y इंटरसेप्ट आप लोकेट कर सकते हैं -7 यहां पर, ज्वाइन कर दीजिए। जितना भी पॉइंट इस लाइन पर दिख रहा है हर पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। एक पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है चित्र में जो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट अगर आप ढूंढिए और इसका सॉल्यूशन सेट ढूंढिए तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जो दोनों सेट में कॉमन पाया जाएगा, हमको वो ढूंढना है। तो हमें अभी आपके सामने दो इक्वेशन लिखे हैं और दो अननोन, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स। तो दो अननोन अगर है तो हम दो इक्वेशन आपको देंगे और कहेंगे कि आप उन दोनों अननोन्स का यूनिक वैल्यू ढूंढ के दिखाइए, यानी वो खास सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो एक साथ। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एक सॉल्यूशन मिल ही जाए। जैसे इस चित्र में देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल हो एक दूसरे के, एक ही क्वेश्चन हम दें 2x प्लस 3y बराबर 5, इसी को थ्रू आउट हम, और एक ही क्वेश्चन दें हम 2x प्लस 3y बराबर 7। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, अब इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी जरूरी नहीं है कि एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको एक यूनिक सॉल्यूशन दे ही, और ये भी हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। यहां मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन, आप ज्योमेट्रिकली कन्विंस्ड भी हैं इस बात को देख करके समझ भी सकते हैं कि हाँ एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे हम अभी सीखेंगे।
और इस केस में आप कन्विंस्ड भी हैं कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और यही दोनों अगर आइडेंटिकल लाइन समझे दे, एक ही क्वेश्चन लिख देते 2x + 3y = 5 और इसी क्वेश्चन को थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर देते हाफ से और x + 3y (2 × y = 5/2, तो अब दोनों आइडेंटिकल लाइन्स है। इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला जो पेयर ऑफ नंबर्स है वही सब इसी क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलेंगे आप। सो देयर आर थ्री डिफरेंट सिचुएशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इन सब बातों को हम लोग जानते थे पहले से। अगर हम दो लीनियर इक्वेशन इस तरह से दे दें a1b1c1 a2b2c2, अननोन है x, उसका कोफिशियंट को a1 बोल रहे हैं, y के कोफिशियंट को b1 और कांस्टेंट टर्म को c1, और इसी क्वेश्चन में x के कोफिशियंट को a2, y के कोफिशियंट को b2 और कांस्टेंट टर्म को c2 बोल रहे हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ, यानी a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो दोनों पैरेलल हो गया और हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये सब बात हम लोग पहले से जानते हैं, केवल एक बार हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के पहले हम एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज पहले से पता था। और अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि तब ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला जो पेयर ऑफ नंबर्स है उनका चित्र बनाए तो आइडेंटिकल चित्र बन जाएगा ऐसी स्थिति में। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हम इंटरसेक्शन पॉइंट खोज रहे हैं ना जो कॉमन हो दोनों सेट में। ऐसी स्थिति में इसका सॉल्यूशन सेट और इसका सॉल्यूशन सेट दोनों ओवरलैप कर जाए, इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर a1/a2 ≠ b1/b2 हो, मतलब दोनों पैरेलल नहीं, तब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये सब बात हम लोग पहले से जानते थे और इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन ढूंढना भी जानते हैं। याद कर ले क्या जानते हैं हम लोग, हम इसको तीन तरीके से सॉल्व करना जानते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इसी क्वेश्चन में से वाई का वैल्यू को एक्सप्रेस कर लें 3x - 7 एक्स के टर्म्स में और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें दूसरे इक्वेशन में वाई के स्थान पर। एक इक्वेशन बनेगा सिर्फ एक्स में, उसको सॉल्व करके हम एक्स का वैल्यू ढूंढ लेंगे और फिर उसको किसी एक में डाल करके हम करिस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ वाई ढूंढ लेंगे। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जरूरी नहीं है कि हम वाई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, हम एक्स के वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां से हम x = y + 7/3 इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स के स्थान पर और एक इक्वेशन ला सकते हैं सिर्फ वाई में, उसको सॉल्व करके वाई का वैल्यू निकाल लेंगे फिर किसी एक में डालकर करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू। दूसरा मेथड का नाम था एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग को सीखना है यूजिंग मैट्रिसेस कैसे हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। इतना छोटा सा सवाल है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए इतना तरीका हम लोग, इसके लिए एक और पूरा मैथमेटिकल टूल ही बना दिए हैं मैट्रिसेस। नहीं नहीं, अननोन्स का संख्या बढ़ा दें, तब अननोन्स का संख्या 3 कर दें और 3 इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3 अननोन्स 3 इक्वेशन, something into x + something into y + something into z = something, x - y + 9z = 11, एक और कुछ 3x + 5y - 2z must = 9। ये एक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट इनफाइनाइट है, ट्रिप्लेक्स, तीन तीन नंबर का, ऐसा तीन नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। आप x के जगह कोई नंबर सोच लीजिए, y के जगह कोई नंबर सोच लीजिए, नहीं रियल नंबर, अब z के जगह कोई नंबर मत सोचिए, कैलकुलेट कर लीजिए x1, y1, z1 एक सॉल्यूशन। ऐसा आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, उस कलेक्शन को बोलते हैं इसका सॉल्यूशन सेट। उसी तरह से इसका अलग सॉल्यूशन सेट, फिर इसका अलग, हम
एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो एक साथ साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन वही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अननोन्स का संख्या केवल बढ़ गया है। पहले दो अननोन था दो इक्वेशन, अब तीन अननोन तीन इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए भी कोई हमको बहुत मैट्रिसेस का जरूरत नहीं है। जैसे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस नाम का टूल ना भी सीखे होते तो इट डजंट मैटर, लेकिन हमारा जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता है ना। एक फेज सिस्टम, हम अगर 40 अननोन और 40 इक्वेशन, अब जरा मुश्किल हो जाएगा। अब जो ये टूल्स हम लोग सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो सब अब बहुत सरल नहीं होगा उन टूल्स से आपको सॉल्व करना इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। तीन तक ठीक है, बट तीन के बियॉन्ड जरूरत था हम लोग को एक टूल बनाने की, वेरी पावरफुल टूल मैट्रिसेस। पहले वो सीख लें जो हम लोग जानते हैं। दूसरा तरीका था एलिमिनेशन मेथड। आई मीन इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा और एक इक्वेशन बनेगा सिर्फ x में, और फिर वही सब करेंगे, x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे, किसी दूसरे में डाल करके, किसी एक में डाल करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप x एलिमिनेट करना है चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि थ्रू आउट किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन नहीं बदलता है। इक्वेशन नहीं बदलता है मतलब अभी भी उसका सॉल्यूशन सेट वही सब होगा। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट और सब्ट्रैक्ट कर दे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, वाई का वैल्यू निकल जाए। मैंने किसी एक अननोन को एलिमिनेट कर दीजिए और एक ही क्वेश्चन बनाइए सिर्फ दूसरे एक अननोन में। यहां भी यही सब कर सकते हैं आप। जैसे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो हमको इन दोनों इक्वेशन से एक ही क्वेश्चन बनेगा जिसमें x होगा, z होगा, y नहीं होगा। 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 5x प्लस 27 प्लस 5 32z इक्वल टू 33 प्लस 7 40। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक और इक्वेशन बना रहे हैं x और z में, y एलिमिनेट कर रहे हैं। 8x 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, 45y माइनस 2z 43z 55 प्लस 9 64। अब मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया, दो अननोन दो इक्वेशन, फिर भाई इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे, x एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ एक z में इक्वेशन बनेगा समथिंग इनटू z प्लस समथिंग, उसको सॉल्व करके z का वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक में डाल करके करस्पॉन्डिंग x निकाल लेंगे, इसमें डालिए उसमें डालिए, और जब x और z निकल जाएगा तो किसी एक में डाल करके हम करस्पॉन्डिंग y निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसी प्रोसेस से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। खेल ही है कि अननोन्स की संख्या को कम करते जाइए, इक्वेशंस का संख्या भी साथ साथ कम होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। और एक मेथड और बताया आपको हम, क्रैमर्स रूल बोलते हैं, जो कि क्लास 10th में आप उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के नाम से पुकारते थे, इन ऑनर ऑफ द मैथमेटिशियन क्रैमर। ही सजेस्टेड कि आप इस तरह से लिखिए इक्वेशंस को और सीधे सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दीजिए। x बटे एक डिटरमिनेंट लिखेंगे, इस कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट्स को छिपा दीजिए, जो कोएफिशिएंट बाकी बच गया 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू माइनस y बटे इस कॉलम को छिपा दीजिए और जो बाकी कोएफिशिएंट्स बचा 2 माइनस 5 3 माइनस 7 एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के रूप में लिखते जाइए, लास्ट में 1 बटे इस कांस्टेंट टर्म वाले कॉलम को छिपा दीजिए 2 3 3 माइनस 1, हो गया आंसर आ गया।
एक्स बटे माइनस 21 माइनस 5, वाई बटे यहाँ माइनस 14 प्लस 15, 1 आएगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस 1, 1 बटे माइनस 2 माइनस 9, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट, और x बराबर आ गया 26 बटे 11 और y बराबर आ गया 1 बटे 11। यही दोनों नंबर है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा साइमल्टेनियस। क्रैमर्स रूल इस सिस्टम के लिए भी एक्सटेंड करता है। हम x बटे पहले सब कांस्टेंट टर्म को भी एक ही तरफ लाइए इक्वेशन के, और x के नीचे इस कॉलम को छिपा दीजिए और सारे कोएफिशिएंट्स को एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के रूप में सजेगा, 3, 5 माइनस 7 माइनस 1, 9 माइनस 11, 5 माइनस 2 माइनस 9 इक्वल टू माइनस वाई बटे एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, जो इस कॉलम को छिपा दीजिए जो बचेगा 2, 5 माइनस 7 वगैरह वगैरह, प्लस जेड बटे अनदर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसको छिपा दीजिए 2, 3 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1 बटे, और अब कांस्टेंट टर्म वाले कॉलम को छिपा दीजिए 2, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। इस रूल में आप स्टार्ट करते हैं पहला अननोन से विथ अ प्लस साइन, फिर माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, हो गया आंसर आ गया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया। पर आपको इसको एक्सपेंड तो करना होगा ना, इसको भी इसको भी। ये सिस्टम ऑफ फोर अननोन्स फोर इक्वेशंस के लिए भी क्रैमर्स रूल वैलिड है, पर कठिनाई बढ़ता जाएगा, आप समझ रहे हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को ही एक्सपेंड करने में वक्त लग जाता है, अब फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन कोई नया टूल हम ना भी सीखे होते सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देते, उसका सॉल्यूशन ढूंढ देते, पर अभी हम लोग एक नया टूल सीख रहे हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास ऑलरेडी टूल्स एग्जिस्ट करता है, पर एक बार जब मैट्रिसेस भी सीख लेते हैं। अगर आप एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दीजिएगा, दो अननोन दो इक्वेशन, 1 × x प्लस a इंटू वाई का वैल्यू 5 होना चाहिए, 3x प्लस vy का वैल्यू c होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछिए, बताइए कि इसमें a b c से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिया होगा, कि बताइए कि अंडर व्हाट कंडीशंस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो हम मैट्रिसेस नाम का कोई टूल ना भी सीखे तब भी हम जवाब दे देंगे ना, हम लोग अभी तुरंत तो सीखा है a1x b1y c1 a2x b2y c2, इस सिस्टम को जानते हैं ना। इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब मिलेगा, जब दोनों आइडेंटिकल लाइंस होगा। अब देखिए इसे बात बोल सकते हैं लाइंस, क्योंकि हम लोग ईच इक्वेशन को एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं। अब यही चार अननोन दे देंगे तो नहीं दिखा पाएंगे, कोई चित्र नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ थ्री डायमेंशंस को विजुअलाइज कर सकता है एट अ टाइम। हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन अननोन का एक साथ प्लॉट करके दिखा सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस के लिए दिस बाय दिस मस्ट इक्वल दिस बाय दिस मस्ट इक्वल दिस बाय दिस, ऐसे लिख देंगे 1/3 मस्ट इक्वल ए बाय बी मस्ट इक्वल 5/c, दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन अगर दोनों पैरेलल हो जाए, 1/3 इक्वल ए बाय बी हो जाए बट नॉट इक्वल टू 5/c पैरेलल, तो नो सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन 1/3 should not be equal to a by b, non-parallel lines, अब unique solution मिलेगा। ये सब बात हम पहले से जानते हैं, हमको कुछ नहीं सिखाया आपको matrices भी, तो भी आप इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। पर चलिए हम लोग matrices को जरा सीखें as a tool for solving a system of linear equations. एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम दिखा रहे हैं, एन अननोन्स, समथिंग इनटू x1, x1 इज एन अननोन, दीज आर नोन नंबर्स, समथिंग इनटू x2 प्लस
something into xn. These are the unknowns, x1, x2, dot, 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 xn, n unknowns. अब x, y, z नहीं लिख सकते हैं. तीन अननोन होगा तब ना x, y, z लिखेंगे. चार अननोन होगा तो क्या करेंगे, w, x, y, z लिखेंगे. पांच अननोन होगा तो फिर v, w, x, y, z. अब 40 अननोन होगा तो x1, x2, x3, x4, x40 equal to b1. a1, 2 into x1 plus a2, 2 into x2 प्लस ए टू एन इंटू एक्स एन का वैल्यू बी टू होना चाहिए. इसी तरह से डॉट 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 ए वन एन इंटू एक्स वन प्लस ए टू एन इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एन इंटू एक्स एन का वैल्यू बी एन होना चाहिए. ऐसा ढूंढ के दिखाइए हमको x1, x2, xn का वैल्यू जो सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो एक साथ. हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पहले ऐसे लिख लेंगे, कैपिटल ए इंटू एक्स बराबर बी, जहां कि हम ए मीन कर रहे हैं इन अननोन्स का जो कोएफिशिएंट्स है उस मैट्रिक्स को, ए वन टू डॉट 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 ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू डॉट 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 ए टू एन, ए एन वन, ए एन टू डॉट डॉट. कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है अननोन्स के उसको हम कैपिटल ए बोल रहे हैं. दिस इज अ नोन मैट्रिक्स मालूम है. और हम कैपिटल एक्स मीन कर रहे हैं एक कॉलम मैट्रिक्स है अननोन्स का, x1, x2, डॉट 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 xn. यही खोजना है, यही मैट्रिक्स खोजना है. ये मैट्रिक्स खोजना मतलब सारा एलिमेंट्स खोजना, सारा एलिमेंट्स खोजना मतलब सारा अननोन्स खोजना. और b हम लिख रहे हैं, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, b1, b2, डॉट 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 bn. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बस इतना छोटा सा लिखेंगे, आप चेक करके देख लीजिए. दिस इनटू दिस यहां बगल में लिख रहे हैं सुविधा के लिए, गुना करेंगे. ये n इनटू n ऑर्डर का है और ये n रोज वन कॉलम, n इनटू वन ऑर्डर का, तो मल्टीप्लाई करने पर n इनटू वन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा. करते हैं गुना, दिस इनटू दिस, a11 x1, a12 x2 इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लिखे हैं b1, b2, bn. लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स बनेगा. अब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू लिखे हैं, इसका मतलब हम मीन कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, यही तो लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस. इसको संक्षेप में हम लोग अपने नए भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन अ वेरी हैंडसम फॉर्म ax इक्वल टू बी. इसमें बी नोन मैट्रिक्स है, कॉलम है, ये भी नोन मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n by n ऑर्डर का, ये अननोन मैट्रिक्स है कॉलम. हमको ढूंढना यही है, दिस इज द अननोन. जैसे इस सिस्टम को देख करके पूछते तो कि क्या ढूंढना है, तो आप बोलते x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, xn का वैल्यू. अब बोलेंगे हमको x का वैल्यू ढूंढना है, x इज द अननोन मैट्रिक्स. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग. अगर हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढ लें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, 2x बराबर 3 का सॉल्यूशन जो करते थे दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते थे, हाफ इंटू 2 इधर, हाफ इंटू 3, हाफ इंटू 2 को हम लोग 1 बोलते थे, 1 इंटू x को x बोलते थे. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जब x का वैल्यू निकालना होता था तो ये दोनों स्टेप करना जरूरी था, दोनों तरफ हम एक नंबर खोजे थे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हाफ डिफाइन किए थे, तभी आप दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किए. तो दोनों तरफ हम इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा कर दें, ये हो जाएगा आई, और आई इंटू एक्स एक्स. तो आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, अब अननोन मैट्रिक्स निकल गया. आपको सिर्फ क्या करना है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढना है जो कि एक nth ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, उसको बी मैट्रिक्स से गुणा कर देना है. ये इनवर्स मैट्रिक्स है इसका, जो कि हम लिख रहे हैं यहां पे a11, a12, a1n का कोफैक्टर c11, c12, डॉट 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 c1n कॉलम में लिख दिए. इसका
C21, C22, डॉट 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 C2n, और उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 1 बाई डेटे से. दिस इज द इन्वर्स मैट्रिक्स. इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन किए हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, यही है एडजॉइंट. इसको डिमल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई डेटे से इन टू बी. आपको करना यह है कि कोएफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है, उसको 1 बाई डेटे से मल्टीप्लाई करना है. ये निकल गया इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, और इसको मल्टीप्लाई करना है b1 b2 डॉट डॉट bn से. मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस इंटू दिस एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा. बाहर में 1 बाई डेटे है, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा दिस इंटू दिस c11 इंटू b1 यहां पे सम नंबर लैम्डा 1, फिर दिस इंटू दिस लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n. सबको डेटे से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि सबको 1 बाई डेटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए. हो गया. अब x1 का वैल्यू ये है, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, xn का वैल्यू, अननोन मैट्रिक्स आप खोज लीजिए. इतना तैयारी जो हम लोग कर रहे थे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, वो इसी समय के लिए कर रहे थे. कैसे निकालेंगे हम इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन? ax बराबर b, लीनियर इक्वेशन इसको कहते थे हम लोग, इन वन अननोन. ये भी हम लोग क्लास 9th में सीख लिया. इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको एक्स का एक वैल्यू बताना है जो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता हो. तो कैसे पहुंचेंगे जवाब तक? हम लोग तब तो फट से लिख देते हैं, लेकिन वो स्टेप्स याद रखना था कि हम लोग बहुत मेहनत किए हैं डेवलप करने के लिए. दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ए के रेसिप्रोकल से. हाँ, करने के पहले ये चेक करना होगा कि ए का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है कि नहीं. जैसे हम बोले कि आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब आपको एक्स निकल जाएगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब ना. हाँ, यानी कि आप इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह है. प्रश्न चिन्ह का जवाब यही कहे, डेटे जीरो नहीं होना है तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. डेटे अगर जीरो हो गया तब क्या होगा देखते हैं. पर इतना पक्का पता है कि डेटे अगर जीरो नहीं हुआ तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज फॉर श्योर. व्हाट विल हैपन इफ डेटे वैनिशेस? वी विल सी राइट नाउ. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैट्रिसेस. यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अब रह गया सिमट के, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट. देखिए, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, कैसे पता लगेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही है सॉल्यूशन, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है कि एक भी नहीं है, इसको बताने के पहले हम आपको दो कैटेगरी में बांट रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को. ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, अगर इसमें सारा टर्म जीरो हो जाए, कांस्टेंट टर्म, यानी इक्वेशन कुछ देखने में ऐसा लगे, मान लीजिए तीन अननोन के केस में 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर जीरो, x माइनस 2y प्लस 9z मस्ट बी इक्वल टू जीरो, एंड 5x प्लस 6y माइनस 11z मस्ट बी इक्वल टू जीरो. इसमें अब कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस. होमोजीनियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हर टर्म है इस इक्वेशन में, सब में अननोन का पावर सेम है. इस वाले टर्म में अननोन का पावर है 1, 1, 1, और अगर यहां कांस्टेंट टर्म हम लिख दिए होते 7 इक्वल टू 0, इस वाले टर्म में अननोन का पावर 0 हो जाता. तो इस इक्वेशन में जितना भी टर्म्स है सभी टर्म में अननोन का पावर सेम है. हाँ, अगर यहां पे हम एक्स वाई लिख देते, यहां वाई स्क्वायर लिख देते, अब ये सेकंड डिग्री टर्म है, ये सेकंड डिग्री टर्म है, और यहां भी लिख देते कुछ एग्जैक्ट, ये भी सेकंड डिग्री हो जाता, तब भी इसको होमोजीनियस बोलते, कहते कि सेकंड डिग्री होमोजीनिटी है इस इक्वेशन का. केवल ये बताना चाह रहे थे कि होमोजीनियस मतलब क्या होता है.
तो अगर सारा कॉन्स्टेंट टर्म का वैल्यू जीरो हो जाए तो पूरे सिस्टम को बोलते हैं अ होमोजेनियस सिस्टम। अगर एक भी कॉन्स्टेंट टर्म नॉन जीरो रह गया, जैसे कि मान लीजिए यहां पे हम एक प्लस टू इक्वल टू जीरो लिख दिए, अब यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है तो ये इक्वेशन अपने आप में होमोजेनियस है, ये भी होमोजेनियस है, पर ये नॉन होमोजेनियस है, तो पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन होमोजेनियस। तो हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म आर जीरो, यानी बी एक नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स का मतलब कोई मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए, कोई मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स, और कैपिटल ओ सिंबल से डिनोट करते हैं, जीरो नहीं कैपिटल ओ। जैसे मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स को वन सिंबल से नहीं डिनोट करते हैं, आई सिंबल से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स की दुनिया में जो जीरो का स्टेटस है और वन का, मैट्रिक्स की दुनिया में वही स्टेटस है। नल मैट्रिक्स a matrix whose all elements are zero, and unit matrix jiska diagonal elements khali 1 1 hai aur baaki sab zero hai। to hum do category mein baant diye hain system of equations ko, homogeneous and non homogeneous। ek ek karke dekhiye, hum pehla case discuss kar rahe hain, case 1 homogeneous system of equations ke liye kuch conditions bana rahe hain, और नॉन होमोजेनियस के लिए कुछ कंडीशंस बनाए। देखिए पहला कंडीशन लिखे हैं कि डेटे अगर जीरो नहीं है, डेटे अगर जीरो नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मल्टीप्लाइड बाय वन बाय डेटे, जिसको हम लोग सॉल्व करके दिखाए कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुना करके एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और उसके हर एलिमेंट को आप डेटे से डिवाइड करेंगे, लैम्डा वन बटे डेटे, लैम्डा टू बटे डेटे, डॉट डॉट डॉट, लैम्डा एन बटे डेटे। इवेंचुअली आपका सॉल्यूशन देखने में ऐसा लगेगा। तो अगर एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो बी तो नल होगा, तो वैसे स्थिति में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, हम अभी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स यहां दिखाए हैं, और यहां बी भी नल मैट्रिक्स है, तीनों एलिमेंट उसका जीरो है, इन दोनों को जब गुना कीजिएगा दिस इनटू दिस तो लैम्डा वन का वैल्यू जीरो आ जाए, तो जीरो बटे डेटे, जीरो बटे डेटे, डेटे। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो बटे डेटे, जीरो बटे डेटे, डॉट डॉट डॉट, ऑलवेज यही सॉल्यूशन ही आएगा। होमोजीनियस सिस्टम में ऑलवेज सॉल्यूशन ऐसा आएगा, इसको समझना मुश्किल नहीं है। दो अननोन के केस में आपको ज्योमेट्रिकली समझाते हैं, 2x plus 3y must be 0 and x minus 5y must be 0, एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। This represents a straight line passing through the origin, slope minus 2 बटे 3, and this represents another straight line passing through the origin, slope 5. तो इन दोनों का एक सॉल्यूशन है 0,0. देखिए सारा सॉल्यूशन 0,0,0,0 आ रहा है, लेकिन किस केस में, अगर डेटे एक नॉन जीरो नंबर हो, मान लीजिए डेटे का वैल्यू 5 है, तो 1 बटे 5 इंटू 0 जीरो होगा, 1 बटे 5 इंटू 0, यानी तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एक ही है, वही 0,0, यानी x बराबर 0, y बराबर 0। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सारा कांस्टेंट टर्म को जीरो कर दीजिए तो उसका सॉल्यूशन 0,0,0,0 होगा। ये एक विकल्प है, कम जब डेटे जीरो नहीं हो तो एक के सॉल्यूशन है 0,0,0। डेटे जीरो हो तब क्या होगा, अगर डेटे जीरो हो तब सॉल्यूशन देखने में कैसा लगेगा, जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो, वो देखिए कम हो सकता है। ये इक्वेशन 2x plus 3y बराबर 0, और ये भी 2x plus 3y बराबर 0, अब चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें,
इवेंचुअली तो यही रहेगा। अब इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस हो गया, अब दोनों आइडेंटिकल भी हो गया, डेटे जीरो है इसका, डेटे माने अननोन्स का जो कोएफिशिएंट है उस मैट्रिक्स को हम ए बोल रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है उस मैट्रिक्स को हम बी बोल रहे हैं, और अननोन्स का जो मैट्रिक्स है उसको हम एक्स बोल रहे हैं। तो अब डेटे जीरो हो गया, जब डेटे जीरो हो गया यहां तो अब सारा सॉल्यूशन देखने में लगेगा जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो टाइप का। तब आप ये नहीं कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, तब कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, आप जब सॉल्व करके अननोन का वैल्यू ढूंढ रहे होंगे, एक मैट्रिक्स ढूंढ रहे होंगे, अननोन मैट्रिक्स, तो इसका सारा सॉल्यूशन अगर जीरो बटे जीरो टाइप का दिख रहा है सारा, तो आप कहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलने वाला है। अब हम लोग इसको जमा कर लिए इस जानकारी को, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर डेटे जीरो नहीं है तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, वही वो सॉल्यूशन बहुत आसान है, जीरो जीरो जीरो। और अगर डेटे जीरो हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दीज आर दी टू स्टेटमेंट्स टू बी रिमेंबर्ड। और अगर मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस हुआ तब उस केस में क्या होगा? अब नॉन होमोजीनियस जब है तो सॉल्यूशन ऐसा लगेगा दिखने में, अब बी जीरो 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 नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, बी से गुना करेंगे तो जीरो जीरो नहीं आएगा। अब इसमें भी केसेस अराइज करता है, पहला केस लिखे हैं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए मैट्रिक्स भूलिएगा मत किसको बोल रहे हैं, अगर वो नॉन जीरो है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जो यहां लिखे हैं वही यहां लिख दिए, देखिए ओनली वन सॉल्यूशन। हाँ, इसमें का सॉल्यूशन हमको बिना सॉल्व के भी पता है, वो है एक्स बराबर नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं लिख सकते हैं, इधर मैट्रिक्स लिखे हैं इधर जीरो नहीं लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स है, मतलब हम मीन कर रहे हैं एक कॉलम मैट्रिक्स, एन रोज वन कॉलम। हाँ, यहां पे हमको पता नहीं है कि क्या है, वो सॉल्व करना होगा, लेकिन ये कंडीशन याद रखना है कि किस कंडीशन में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, दोनों केस में सेम कंडीशन लिखा होगा। और डेटे अगर जीरो हो गया तब, ये जीरो हो गया तो दो एक सिचुएशन है, ये जीरो हुआ तो, ये जीरो नहीं हुआ तो, अगर जीरो नहीं है तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बस, और जीरो हो गया तब देखिए लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन जो लिखा है अगर वो सब का सब जीरो है तब सॉल्यूशन जीरो बटे जीरो जीरो बटे जीरो जीरो बटे जीरो टाइप का हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर उसमें से एक भी लैम्डा वन से लेकर लैम्डा एन के बीच में अगर नॉन जीरो नंबर हुआ, मान लीजिए पांच, ई तो जीरो है तो पांच बटे जीरो, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो गया। वही यहां लिखे हैं कि अगर डेटे का वैल्यू शून्य हो गया तब इस केस में दो सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, इसमें एक ही था क्योंकि अगर इसमें डेटे जीरो हो गया तो जीरो बटे डेटे जीरो बटे जीरो जीरो बटे जीरो जीरो बटे जीरो सब, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें है कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर नल मैट्रिक्स होगा, यानी लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी को हम लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट डॉट लैम्डा एन लिखे हैं, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नल मैट्रिक्स हुआ यानी सब जीरो 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 हो गया तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो बटे जीरो जीरो बटे, और एक भी अगर नॉन जीरो हुआ तो नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं है, इसमें एक नो सॉल्यूशन वाला केस है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में एक सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना है ना, जीरो जीरो जीरो, और सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं इसका चिंता है। इस केस में तीनों विकल्प है, नो सॉल्यूशन वाला भी एक विकल्प है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर मैट्रिक्स नल नहीं हुआ, एक भी एलिमेंट नॉन जीरो और डेटे जीरो हो गया तब नो सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखें।
ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, दो अननोन दो इक्वेशन, और ये नॉन होमोजीनियस है, तो तीन सिचुएशन अराइज कर सकता है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर होमोजीनियस होता ना जीरो जीरो, अब नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं होता, तब हम पूछते कि बताइए कि अंडर व्हाट कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, माने वही जीरो जीरो वाला सॉल्यूशन सिर्फ बस, तो वो तब जब उसका डेट है नॉट इक्वल टू जीरो। किस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस अदर देन जीरो जीरो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तभी जब डेटे का वैल्यू जीरो हो। जैसे हम यही क्वेश्चन लिख दें, x प्लस ए वाई बराबर जीरो और 3x प्लस बी वाई बराबर जीरो। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए पूछें कि हम चाहते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन हो 0.0, द ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ऐसा कब हो सकता है, तभी होगा जब इसका डेटे जीरो नहीं हो। यहां ए मैट्रिक्स हम इसी क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख सकते हैं 1A3B टाइम्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो। ए है मैट्रिक्स ए, यही है मैट्रिक्स एक्स, और यही मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डेटे अगर नॉन जीरो होगा तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि बी माइनस थ्री ए, बी का वैल्यू अगर 3A के बराबर ना हो तो एक ही सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम का, वो है जीरो जीरो, माने जीरो जीरो। यही है द सॉल्यूशन मैट्रिक्स। और अगर हम पूछें कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करता है, माने देयर आर अदर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई अदर देन जीरो जीरो जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो तभी हो सकता है जब डेटे जीरो हो, यानी कि बी का वैल्यू अगर इक्वल टू 3 हो। हम दिखाते हैं आपको, बी के जगह अगर हम 3 टाइम्स ए यहां लिख दें, ए का वैल्यू कुछ ले लेते हैं 2 और बी के जगह लिख लेते हैं 6, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। आप चेक करके देखिए, आप समझ जाएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों हो। अब दोनों इक्वेशन तो आइडेंटिकल हो गया, ओरिजिन से पास कर रहा था अगर, लेकिन आइडेंटिकल नहीं था तो एक ही सॉल्यूशन था, लेकिन ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है और आइडेंटिकल भी हो गया, अब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। तो बार बार इस बात हम लोग नहीं सोचेंगे ज्योमेट्री से, हमको ये कंडीशन सबको याद करना है। अगर हमको मैट्रिसेस नहीं इस्तेमाल करना हो तब तो हम तुरंत बता देंगे ना इसका कंडीशंस, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कब नो सॉल्यूशन, कब यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऐसे लिखेंगे 1A 3B एक्स वाई इक्वल टू 5C। स्टेप वन यूजिंग मैट्रिसेस, हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को पहले इस शक्ल में लिख लेंगे, ए एक्स बराबर बी, वे ए इक्वल इतना, एक्स इक्वल अननोन मैट्रिक्स एंड बी इक्वल 5C। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी, देन एक्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए टाइम्स बी व्हिच इज इक्वल टू adjoint of A into B multiplied by 1 by dt। अब हम बनाते हैं, हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए 1A 3B। हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं 1 3 AB। अब इसका adjoint मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, कोफैक्टर लिखना होगा, इसका कोफैक्टर है B, इसका कोफैक्टर है माइनस A, इसका कोफैक्टर है 1, इसका कोफैक्टर है -3। अब इसको हम 1 बाई डेटे से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं, कभी भी एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कहिएगा लिखने के लिए, तो हम तुरंत लिख देंगे, हम उसको 1 बाई डेटे से मल्टीप्लाई करेंगे उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है। उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर नोटिस कीजिए तो इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है और इन दोनों को जहां है वहीं छोड़ देना है
माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। इस बात को याद रख लीजिए, इट इज वेरी यूजफुल। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड तो नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ये बड़ा सुंदर ऑब्जर्वेशन है। हम यहां पे एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स लिख रहे हैं ए बी सी डी। हम इस मैट्रिक्स का आपसे पूछे इनवर्स मैट्रिक्स बताइए, तो तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए 1/AD-BC टाइम्स, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए डायगनल एलिमेंट्स को, और इन दोनों को जहां है वहीं छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन से। आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स लिख दीजिए। ऑफकोर्स ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये नंबर जीरो है तब इसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, एंड इससे सब नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है D/AD-BC - B/AD-C/AD-B। इतना तेजी से हम इनवर्स लिख सकते हैं, तो यहां करते हैं हम लोग तेजी से। x इक्वल टू इनवर्स ऑफ a टाइम्स b, इस मैट्रिक्स का इनवर्स लिख रहे हैं 1/B-3a टाइम्स B1 इंटरचेंज कर दिए और इन दोनों के पोजीशन को जस्ट के तस छोड़ के माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए इनटू मैट्रिक्स B। सॉल्यूशन आ रहा है अब इक्वल टू 1/B-3a टाइम्स, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, दिस इनटू दिस 5B-CA और यहां पे दिस इनटू दिस -15+C, C-15। अब B-3A से डिवाइड करते दोनों को, यानी फाइनल सॉल्यूशन हो गया x बराबर 5B-AC/B-3A और C-15/B-3। अब आपको जो चीज पूछना हो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सब जवाब वहीं छिपा है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको एक्सक्लूसिवली मेंशन करता है यूजिंग मैट्रिसेस मेथड, तो आपको ये सब करना पड़ेगा और सॉल्यूशन वैसे दिखाना होगा, आप एक्स का वैल्यू ढूंढ दिए और वाई का वैल्यू इतना ढूंढे। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिशन में इस सवाल बना रहे हो तब हम ये सब नहीं करेंगे, तब हम जो अपना नॉर्मल तरीका है उसे सॉल्व करेंगे। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3A-B (Y) = 15-C, यानी Y = C-15/B-3A। हम उस रूप में लाना था इसलिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे वाई का वैल्यू निकल गया। और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए X = 5-A (Y) AC-15A/B-3A, it is equal to 5B-15A - AC+15A। तो खाली बचेगा 5B-AC/B-3A, X का वैल्यू ढूंढ दिए। हम लोग यही करेंगे, हम लोग क्यों उतना मेहनत करें। और यही करना भी चाहिए, यही कीजिएगा भी एग्जामिनेशन। और अब जरा आप बात से बता सकते हैं कि नहीं, देखिए हम जानना चाहते थे कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है। यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब डेटे का वैल्यू जीरो नहीं हो। डेटे मतलब 1A(3B) का वैल्यू जीरो नहीं होगा तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दोनों केस में वही है कंडीशन, डेटे शुड नॉट बी जीरो, ओनली वन सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो, यानी कि बी का वैल्यू इक्वल टू 3A नहीं होना चाहिए। तो आप वहां भी आपको समझ में आ रहा है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये जीरो हुआ और ये भी जीरो हो गया तब इनफिनाइट सॉल्यूशन, 0/0, 0/0, 0/0, तब इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलने के लिए क्या क्या कंडीशन है देख लेते हैं। p का वैल्यू 3a के बराबर होना चाहिए, c का वैल्यू 15 और 5b-ac भी जीरो, सब जीरो।
ये भी जीरो, वो भी जीरो, ये भी जीरो, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। सी के वैल्यू 15 यहाँ डाल दीजिए, 5b-15a=0, यानी b बराबर 3a आ कंडीशन है। यानी कि इन तीनों से यही पता चला कि c का वैल्यू अगर 15 हो गया और b का वैल्यू 3 टाइम्स a, मतलब आप a जो भी चुनना है चुनिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में a का वैल्यू अगर 5 लिखा हो लेकिन b का वैल्यू तब उसका तिगुना चुनिएगा, सी का वैल्यू 15 चुना जाए, तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। यानी ए और बी का कोई यूनिक नंबर नहीं मिला, एक संबंध मिला कि बी का वैल्यू और ए का वैल्यू का जो चॉइस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, हसी का वैल्यू 15 लेना होगा, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। और नो सॉल्यूशन, ये जीरो हो जाए, बी इक्वल टू 3 ए हो जाए, ई सब जीरो नहीं हो, यानी सी माइनस 15 जीरो ना हो, सी का वैल्यू 15 नहीं हो, 5b-ac का वैल्यू 0 नहीं हो, हाँ तो b का वैल्यू अगर 3a हो जाए और c का वैल्यू 15 नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली अब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में नो सॉल्यूशन, अगर आप b का वैल्यू चुनते हैं एस 3a, अभी 0 हो गया, और c का वैल्यू 15 नहीं चुनते हैं, कोई भी और नंबर चुनते हैं 17, 17-15 यहां आएगा 2/0, यहां कोई नंबर आएगा समथिंग बटे जीरो, एक भी जगह अगर आ गया 2/0, मैंने डिनोमिनेटर जीरो है, न्यूमरेटर जीरो नहीं है, नो सॉल्यूशन। मैंने आप इस सवाल को बनाइएगा एग्जामिनेशन में, अगर तो इस सब मत कीजिएगा, कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दिस बटे दिस मस्ट इक्वल दिस बटे दिस मस्ट इक्वल दिस बटे दिस वही कीजिए। आप एक नया टूल सीखे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस टूल को आप पिद्दी पिद्दी सवाल पर भी इस्तेमाल करते। यहां लिखे हैं एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, समथिंग इंटू x प्लस समथिंग इंटू y प्लस समथिंग इंटू z बराबर जीरो, समथिंग इंटू x सही आके लिख रहे हैं, समथिंग इंटू y समथिंग इंटू z इक्वल टू जीरो, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन है फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, एक सॉल्यूशन पक्का है 0 0 0, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी कि हम चाहते हैं कि 0 0 0 के अलावा भी सॉल्यूशन हो, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 0 0 0 के अलावा अगर एक भी और सॉल्यूशन तभी संभव है जब दोनों आइडेंटिकल हो, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन चाहता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, यानी डेटे जीरो हो, 1-c-b, c-1a, b a-1, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन नहीं है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc का वैल्यू क्या होगा? हमने आप एक कंडीशन लिखी है, इसको एक्सपेंड कीजिए, अपने आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू सम नंबर आ जाए। केवल यही चेक कर रहे थे कि आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये याद है कि नहीं याद है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेटा शुड नॉट बी जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए डेटा शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको एक्सपेंड कर लें, 1-a² × 1 और ab+c × -c प्लस -b × ac+b इक्वल टू जीरो, 1-a² - abc - c² - abc
टू ए बी सी कर दे रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इन सबको उधर ले जाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी का वैल्यू वन होना चाहिए, तब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफिनाइट हो जाएगा। फिर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं, तीन अननोन तीन इक्वेशन, समथिंग इनटू एक्स प्लस समथिंग इनटू वाई प्लस समथिंग इनटू जेड इक्वल टू वन, नॉन होमोजीनियस है। अब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 0 है, सीधे समथिंग इनटू z बराबर 3 लिखा है, और फिर समथिंग इनटू y प्लस z बराबर 2, और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में भी वही सब पूछा, t के वैल्यूज के बारे में बताइए, ताकि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। हम यहां ax बराबर b लिखें, वेयर a बराबर 1, 2, -3, 0, 0, p+2, और 0, 2p+1, 1, और x मैट्रिक्स है x, y, z, और b मैट्रिक्स है 1, 3, 2, और तब इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम इनवर्स ऑफ a निकालेंगे, यानी पहले हम ए का एडजॉइंट निकालेंगे, उसको हम बी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, और फिर उसके हर एलिमेंट को 1/data से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको ये एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा, λ1/data, λ2/data, λ3/data, और एक्स का वैल्यू ये होगा, वाई का वैल्यू ये नंबर, जेड का वैल्यू ये नंबर होगा, नहीं करेंगे, दैट विल बी फूलिश एक्चुअली, क्योंकि हमको सीधे दिख रहा है जेड का वैल्यू, जेड बराबर 3/5+2, और ये जब सॉल्यूशन लिख लेते हैं ना, तब आपको सब कुछ दिखने लगता है, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सब केस। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर जीरो नहीं, तो यूनिक हो गया, मैंने सॉल्यूशन एक मिल गया, एक। ये जीरो जब हुआ ना, तभी कुछ भी और सोचते भी हैं। ये अगर जीरो हो गया, तो ये तीनों जीरो हो गया, λ1, λ2, λ3, तब सब जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो हुआ, तब इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और अगर उसमें एक भी नॉन जीरो हुआ, तब नो सॉल्यूशन। तो ये सब नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हम सीधे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू लेते हैं, जेड निकल गया, अब वाई निकल जाएगा, y बराबर 2 - z / 2p+1, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 - 3/p+2, तो 2p+4 - 3/p+2, 2p+1 / p+2, तो 2p+1 / 2p+1 into p+2, काट नहीं रहे हम, काटिएगा नहीं, काटने से गड़बड़ा जाएगा, कैसे काट दीजिएगा, यहां 5 लिखा होता और यहां 5, तब तो आप काट सकते हैं, लेकिन यहां 0 और 0 तब नहीं ना काट सकते, तो आपको कहां पता है p का वैल्यू, यहां काटे सब गड़बड़ा गया, मतलब एक सिचुएशन है, अगर p का वैल्यू -1/2 हो जाए, यही तो पूछ रहे हैं, p का वैल्यूज बताइए, ताकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, पी का वैल्यू -1/2 होने पे ये 0/0 हो जाएगा ना, तो इसलिए अभी रहने देना है, और हम एक्स का वैल्यू निकाल लें, यहां से 1 - 2y + 3z इक्वल टू 1 - 2 times 2p+1 / 2p+1 into p+2 + 3 times z 9/p+2 equal to, ऊपर नीचे हम 2p+1 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां पे ऊपर नीचे 2p+1 into p+2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
न्यूमरेटर में हम गुना करके लिख रहे हैं, 2p स्क्वायर प्लस 4p प्लस p 5p प्लस 2। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर 2p प्लस 1 इंटू p प्लस 2, न्यूमरेटर यहां पे 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2 माइनस 4p माइनस 2 प्लस 18p प्लस 9। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5p माइनस 4p p प्लस 18p 19p, 2p स्क्वायर प्लस 19p प्लस 9 बटे 2p प्लस 1 p प्लस 2। ये देखिए फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं, इसका रूट्स ढूंढते हैं। p बराबर माइनस 19 प्लस माइनस 19 स्क्वायर 361 माइनस 4ac 72 बाय दिस इक्वल टू रूट 289 विच इज 17 बाय 4। तो माइनस 19 प्लस 17 माइनस 2 बाय 4 और एक माइनस 19 माइनस 17 विच इज माइनस 36 बाय 4 माइनस 9। यानी हम इस न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर के p माइनस माइनस हाफ इंटू p माइनस माइनस 9। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इसका जीरोज ढूंढ लें अल्फा बीटा, तो हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2p प्लस 1 इंटू p प्लस 9 बटे 2p प्लस 1 इंटू p प्लस 2। अब x, y और z का वैल्यूज हम ढूंढ चुके हैं, अब उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि पी का वैल्यू माइनस टू नहीं होना चाहिए, पी का वैल्यू माइनस हाफ नहीं होना चाहिए, तब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप सीधे इस कंडीशन का इस्तेमाल किए होते यूनिक सॉल्यूशन के लिए, डेट ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, आप डिटरमिनेंट बनाते 1, 2, -3, 0, 0, p+2 और 0, 2p+1, 1, ये जीरो नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यहां से भी वही रिजल्ट आएगा, 2p+1 इंटू p+2 नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें भी हम सेम क्वेश्चन पूछे हैं, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, 3 अननोन 3 इक्वेशन, इसमें ए और बी दो मिसिंग कोएफिशिएंट्स है, आपको केसेस निकालना है ए और बी पे, कब इनफिनाइट सॉल्यूशन, कब नो सॉल्यूशन, कब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम मैट्रिक्स बना लें अननोन्स के कोएफिशिएंट्स का 1, 1, 1, 1, 2, 3 और 1, 3, a, तो इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इसमें दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है जब हमको डेटे का वैल्यू जीरो हो गया, क्योंकि डेटे का वैल्यू अगर जीरो हो भी गया तो भी नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि तब सॉल्यूशन ऐसा आता है लैम्डा 1 बटे डेटे, लैम्डा 2 बटे डेटे, डॉट 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 लैम्डा n बटे डेटे। 3 अननोन है तो x बटे डेटे, y बटे डेटे और z बटे डेटे, इवेंचुअली
तीन अननोन है, तो लैम्डा वन बटे डेटे, लैम्डा टू बटे डेटे, डॉट डॉट डॉट, लैम्डा थ्री बटे डेटे, ऐसा आएगा। तो खाली डेटे जीरो हो जाने से कितना सॉल्यूशन होगा हम नहीं बता पाएंगे जब तक कि हम लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री का वैल्यूज नहीं बता पाए। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बताना बहुत आसान होता है, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के लिए मेहनत करना पड़ता है। जैसे देख लें हम लोग, 2a माइनस 9 प्लस 3 माइनस a प्लस 3 माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी a शुड नॉट बी इक्वल टू 5, a का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। तो एक ऑप्शन अगर सिंपली पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए a और b का वैल्यूज क्या होना चाहिए, तो b कुछ हो रहे, a का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मिला कंडीशन। लेकिन नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको मेहनत करना होगा। इतना तो पक्का हो गया कि अगर a का वैल्यू 5 हुआ इफ, तब दो केस अराइज करता है। नो सॉल्यूशन, a का वैल्यू जिसने 5 लिखिएगा ना, अब इसको सॉल्व भी कीजिएगा, देखिए कैसा आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन। क्रेमर्स रूल से अगर लिखे x बटे समथिंग माइनस y बटे समथिंग इक्वल टू z बटे समथिंग इक्वल टू माइनस 1 बटे जो समथिंग लिखते हैं, यही है a। लास्ट वाला जो डिटरमिनेंट लिखते हैं वो अननोन्स के कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट होता है। अब वो जीरो अगर हो गया, जीरो, तब एक्स बराबर क्या होगा? अगर ये सब जीरो है तो तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसीलिए अगर डेटे का वैल्यू जीरो है, जो तभी होगा जब ए का वैल्यू 5 होगा, इस केस में आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है क्या करें। ये तब तक जवाब नहीं दे सकते हैं आप जब तक कि एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं, यू कैनॉट आंसर, क्योंकि कंडीशन देखिए हम लिखे भी यहां पे कि एडजॉइंट ऑफ ए गुने बी, वो मैट्रिक्स अगर नल है तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो, और वो अगर नल नहीं है, मतलब एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है, तब नो सॉल्यूशन। सो इट इज डिफिकल्ट। तो आपको दिमाग में बैठाना होगा कि इस बात का जवाब देने के लिए हमको एक्चुअली में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगा इस तरह का, 1 1 1 1 2 3 1 3 a x y z बराबर 9 b। अब इसका इन्वर्स मैट्रिक्स ढूंढना होगा, तब x y z इक्वल टू 1 by, इसका डेटे तो आप निकाल चुके हैं, डेटे है a माइनस 5, तो 1 by a माइनस 5, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा, और फिर उसको 5 9 b से मल्टीप्लाई करके तब इस रूप में लाना होगा। सब इस रूप में आएगा, समथिंग बटे a माइनस 5, समथिंग बटे a माइनस 5, समथिंग बटे a माइनस 5, तब आप बता पाएंगे ये तीनों जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एक भी नॉन जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन। यानी इस बात का जवाब आप तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि एक्चुअली सॉल्व नहीं करें। और अगर हम लोग को कंपटीशन में ये सवाल आएगा, तब हम मैट्रिक्स से नहीं सॉल्व करके सिंपली सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार। हम सोचे हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, 2y माइनस वाई, वाई प्लस 2z मस्ट इक्वल 4। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस माइनस दिस, x फिर एलिमिनेट हो जाएगा और एक और इक्वेशन आ जाएगा y और z में, y प्लस a माइनस 3 टाइम्स z इक्वल टू b माइनस 9। अब इन दोनों से हम y और z का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें तो a माइनस 5 टाइम्स z इक्वल टू b माइनस 13, यानी z का वैल्यू आ गया b माइनस 13 बाई a माइनस 5। और किसी एक में डाल दें, y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 माइनस 2z, 4 माइनस 2b माइनस 26 बटे a माइनस 5 इक्वल टू 4a माइनस 20 माइनस 2b प्लस 26, 26 माइनस 26,
फोर ए माइनस टू बी प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस फाइव। वाई बराबर फोर ए माइनस टू बी प्लस सिक्स बटे ए माइनस फाइव। और अब एक्स बराबर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, एक्स बराबर फाइव माइनस वाई माइनस जेड। यहां वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड बराबर है फोर माइनस जेड, तो फाइव माइनस फोर माइनस जेड यानी वन प्लस जेड हो गया। ये जेड का वैल्यू यहां लिख दिए, बी माइनस थर्टीन बटे ए माइनस फाइव इक्वल टू आ गया ए प्लस बी माइनस एटीन बटे ए माइनस फाइव। अब देखिए अगर a बराबर 5 हो तो डिनोमिनेटर तो तीनों का जीरो हो गया। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अब a बराबर 5 यहां लिख दीजिए पहले, तब ये b माइनस थर्टीन हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा b माइनस थर्टीन बटे a माइनस फाइव। y का वैल्यू हम a की जगह 5 लिख रहे हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 26 माइनस टू बी, यानी हम 2 कॉमन ले लें तो 13 माइनस बी बटे ए माइनस फाइव। और z का वैल्यू हो जाएगा b माइनस थर्टीन बटे ए माइनस फाइव। यानी साफ दिख गया हमको कि अगर a का वैल्यू 5 लेते हैं एंड b का वैल्यू 13 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। a का वैल्यू 5 एंड b का वैल्यू 13 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और a का वैल्यू अगर 5 लेते हैं और b का वैल्यू 13 के अलावा कुछ भी ले ले तो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a बराबर 5 एंड b बराबर एनीथिंग अदर देन 13 नो सॉल्यूशन। और a नॉट इक्वल टू 5 यूनिक सॉल्यूशन। हमसे a एक्सपेक्ट किया जाएगा इम्तिहान में, इज द बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है। इसको सॉल्व करके वही एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकाल लीजिए, आपको सब कुछ उसी में दिख जाएगा। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहले कंडीशन निकाल ली एवरी टाइम, डेटे शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो से एक कंडीशन आ जाए। चलिए यही समाप्त करते हैं।